खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। और चलिए अब आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक और बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कटाक्ष किया है। नहीं, वो इनडायरेक्टली क्यों कहे, नाम ले लेते गुनाहगार का, नाम भी हमारे शहर में आए तो नाम भी ले लेते, अच्छा होता। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उसके मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है, जिसमें अंबेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, ये कब हासिल होगा? जब हम तमाम लोग अपने आप को अपने अपने उसूल पर चलेंगे। तो ये इनका सोच है, आरएसएस की सोच यही है कि इस खूबसूरत मुल्क का एक ही मजहब बना कर रख दिया जाए, जो नहीं हो सकता जब तक संविधान है।